लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मानसून पिछले 5 दिनों से कहर बरपा रहा है। लगभग 8 इंच वर्षा हो चुकी है और आगे भी हैवी रेनफॉल की संभावना जताई जा रही है। शहर के मौसम विज्ञानी बीजू जॉन जैकब का कहना है कि जबलपुर के अलावा दमोह, मंडला, बालाघाट जैसे क्षेत्रों में भी हैवी रेनफॉल की संभावना है। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ सकता है जबलपुर संभाग के विभिन्न इलाकों को। मौसम विभाग भी इन्हीं यंत्रों द्वारा अंदाज़ा लगाता है कि शहर में आने वाले दिनों में वर्षा होगी या फिर धूप आएगी। शहर के अंदर मेन रोड वाले क्षेत्रों में और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश ज़रूर सौगात बनकर आ सकती है, परंतु ये मानसूनी वर्षा से कच्ची सड़कों वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कीचड़ की वजह से लोगों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो रही है। बीते 5 दिनों की मानसूनी बारिश से चारों तरफ इसी तरह का कीचड़ हो गया है और जनता हलाकान हो रही है कि आए जाएं कहां से। नाली का पानी भी इसी कीचड़ में आकर के मिलने से गंदगी का माहौल भी बन रहा है। यदि जबलपुर में आगे भी इसी तरह की वर्षा होती रही तो जबलपुर की जनता को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और संभावना तो यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इस झमाझम बारिश का कहर इतना है कि खाली पड़े प्लॉटों में चारों तरफ से पानी भर गया है और तालाब जैसा माहौल बन गया है। फिलहाल अभी तो जबलपुर में तेज़ बिजली के साथ साथ बारिश हो रही है, आगे देखते हैं क्या माहौल होने वाला है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे की वर्षा 83.0 मिलीमीटर दर्ज की गई सुबह 8:30 बजे तक, और टोटल सुबह 8:30 बजे तक जो सीजनल टोटल था वो 200.9 मिलीमीटर था। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक 8.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और टोटल हो गया 209.7 मिलीमीटर अर्थात 8 इंच। गत वर्ष आज के दिन वर्षा नहीं हुई थी और टोटल था 173.4 मिलीमीटर। भोपाल से जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है और अधिकतम तापमान 27.6 दर्ज की गई जो सामान्य से 6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.7 दर्ज की गई जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। आर्द्रता सुबह और शाम दोनों 97% दर्ज की गई। बीजू जॉन जैकब, प्रभारी अधिकारी मौसम कार्यालय जबलपुर।